बीजेपी की वरिष्ठ नेता और भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैंने अपने सरकारी आवास 8 सफदरगंज लेन नई दिल्ली को खाली कर दिया है। कृपया ध्यान दें कि मुझसे पहले के पते और फ़ोन नंबर पर संपर्क नहीं किया जा सकता। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा तेज हो गई। दरअसल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सुषमा स्वराज ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। मंत्री पद को लेकर कन्फ्यूजन सब में था। शपथ ग्रहण समारोह तक कन्फ्यूजन जारी था। इसके बाद ही पता चला कि सुषमा स्वराज मंत्री नहीं बन रही हैं। बाद में पता चला कि सुषमा स्वराज ने ही मंत्री बनने से इनकार कर दिया था। तब भी उनके नाम की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हुई थी और अब सुषमा स्वराज के इस ट्वीट के बाद भी उनकी चर्चा तेज हो गई है। जैसा कि सुषमा स्वराज ने ट्वीट में बताया कि अब उनसे पहले वाले पते और नंबर पर संपर्क नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब कि सुषमा जी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। इसके बाद उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो गई, उनकी जमकर तारीफ हुई। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के कमेंट दिखाते हैं जो सुषमा स्वराज की इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर कपिल परमार लिखते हैं कि कुछ सीख लीजिए अखिलेश यादव जी, आप पूरे घर का कबाड़ करके निकले थे, टोटी तक नहीं छोड़ी थी। गर्व होता है मुझे कि बीजेपी जैसी पार्टी का फॉलोअर हूँ, जहाँ ऐसे नेता हैं जो देश हित में सोचते हैं और मिसाल कायम करते हैं। जय हो। दीपक लहरी नाम के यूजर ने लिखा कि माननीय, आपको पता और ठिकाना करोड़ों भारतीय और विदेशी लोगों के दिलों में है, जिन्हें आपने बिना भेदभाव किए मदद करी है और बहुत लोगों को तो लगभग जीवन दान दिया है। हम सभी आपके अच्छे स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। जनार्दन मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा कि अन्य पार्टी वालों को कोर्ट का सहारा लेकर मकान से खदेड़ना पड़ता है और आप स्वयं खाली करके जा रही हैं, इसे कहते हैं संस्कार और समर्पण। अलका सिंह नाम की यूजर ने लिखा कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री अपनी सरकार होते हुए भी बिना किसी के कहे स्वयं ही सरकारी सुविधाएं छोड़ देती है, यह है बीजेपी के संस्कार। इस तरह के ना जाने कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर सुषमा स्वराज जी के बारे में लिखा है। कुछ ने तो उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में देखने की इच्छा भी जताई है। ऐसे कई खबरें आपने सुनी होगी कि मंत्री पद से हटाए जाने या हटने के बाद भी नेता सरकारी आवास को खाली नहीं करते हैं या सरकारी सुविधाएं नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इन सुविधाओं का खर्च आम आदमी के टैक्स से ही चलता है। ऐसे में नेताओं का पद छीनने के बाद या छोड़ने के बाद उन्हें सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए, पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। लेकिन सुषमा स्वराज ने वाकई अपना सरकारी आवास मात्र एक महीने बाद खाली कर नेताओं को एक सीख दी है। विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा जी ने जिस तरह से लोगों तक मदद पहुंचाई है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है। जहां जहां भारतीय रह रहे हैं, उन्हें बस एक ट्वीट करने की देरी होती थी, सुषमा जी कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उन्हें मदद जरूर पहुँचाती थी। पाकिस्तान में सालों से फंसे लोगों को वतन वापसी कराने में सुषमा जी का अहम योगदान रहा है। इतना ही नहीं, सुषमा जी की तारीफ तो पाकिस्तान में भी होती है, वो भी इसलिए कि पाकिस्तानी बच्चों को इलाज के लिए भारत आना था, लेकिन उससे पहले उन्हें वीजा की ज़रूरत थी। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कड़वाहट भरे थे, लेकिन सुषमा जी इलाज कराने की मदद मांगने वाले पाकिस्तानियों को कभी नकारा नहीं। इसके लिए वे भी सुषमा स्वराज को धन्यवाद देते हैं। भारत में कई लोग सुषमा स्वराज के प्यार को देख कर माँ तक कहते हैं, माँ से ही संबोधित करते हैं। सुषमा जी के प्रति लोगों में प्यार और सम्मान पहले से ज़्यादा ही है, लेकिन खास तौर पर मंत्री पद जाने के बाद लोगों का प्यार नेताओं के प्रति कम हो ही जाता है। इस मसले में सुषमा जी अपवाद हैं, जिन्हें प्यार करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।